हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडीयू हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस के आपके जितने भी कोर्स है, बीए, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमलिट, डिस्टेंस के आपके जितने भी यहां पर कोर्स दिए गए हैं, उन सभी कोर्स के सिलेबस के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं, उन सभी कोर्सेज के जितने भी सेमेस्टर रहेंगे, जिनके एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। एमडीयू हेल्प के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमडीयू हेल्प यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे, उसके बाद एमडीयू हेल्प आ जाएगा यहाँ पर चैनल। उसके बाद चैनल के ऊपर क्लिक करना है। चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। यहाँ पर आपको एमडीयू डिस्टेंस सिलेबस की जो प्लेलिस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर बीए, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमलिब, डिस्टेंस के आपके जितने भी कोर्स हैं, उन सभी कोर्स का सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले जो सिलेबस की वीडियो है, एमडीयू डिस्टेंस मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का सिलेबस अवेलेबल है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी सिलेबस की। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ का, वहां से आप सिलेबस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एमए इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं विद पीडीएफ। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जैसे आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है दोस्तों, जो भी एमडीयू ने जो पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, उन सभी पीडीएफ का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो भी आप वीडियो ओपन करोगे, जिस भी कोर्स की, जिस भी सिलेबस की। इसके बाद एमए संस्कृत के जो स्टूडेंट है, वो भी अपना सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं विद पीडीएफ आपको मिल रही है। जो भी एमडीयू ने जो प्रोवाइड करा रखी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिलेगा। जो प्रोवाइड नहीं करवाई, उसका लिंक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एमए हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है, वो भी सेमेस्टर का सिलेबस देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का। इसके बाद है मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी के जो स्टूडेंट है, एमए हिंदी के, वो भी अपना सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद एमएससी सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहेंगे, सभी का सिलेबस है। इसके बाद एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट है, वो भी सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद में एमए इंग्लिश के स्टूडेंट है, वो भी सिलेबस देख सकते हैं। बीए के जो स्टूडेंट है, डिस्टेंस के थर्ड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर में आप हो गए हो, ये आपका सिलेबस रहेगा ऑल सब्जेक्ट का, आप देख सकते हैं। बीए में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए में थर्ड सेमेस्टर में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो आपका अगला कोर्स है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, वो भी अपना सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला कोर्स रहेगा, एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, वो भी अपना सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, वो भी अपना सिलेबस देख सकते हैं। ओल्ड सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, ओल्ड सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी एमडीयू ने जो प्रोवाइड करवा रखी है। इसके बाद आप एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके बाद है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस यहां पर आप देख सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर। इसके बाद है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं आप। इसके बाद है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर के आपके जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। बीए सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस एक ही वीडियो में मिल रहा है। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है, सिलेबस भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। जो भी आपके जो यूनिवर्सिटी से जो बुक मिलती है या फिर नोट्स जो आपके मिलते हैं शॉप से, सभी को मैंने दोस्तों कंपेयर करके यहाँ पर आपको अलग से वीडियो बना के दी है। डिटेल में आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप अलग से देखना चाहते हैं। इसके बाद में
पॉलिटिकल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, बीए सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं। इसके बाद मैं बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स वो भी अलग से डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी। ठीक दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर यहाँ पर आप देखते हैं एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होता रहता है लेकिन जो आपका एग्जाम सिलेबस वो सेम रहेगा। सिलेबस यहाँ पर आप देखते हैं मैंने डिटेल में आपको बताया है। इसके बाद में बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश के जो स्टूडेंट है, जो आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो अपना एग्जाम सिलेबस यहाँ पर आप देखते हैं डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। इसके बाद में बीए और बीकॉम के जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो आपका सब्जेक्ट है उसका एग्जाम सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसकी आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं सिलेबस की। इसके बाद में हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट है उसकी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं। इसके बाद में ऑल कोर्सेज जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स है बीए एमएससी एमकॉम देख सकते हैं एमए सभी कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है देख सकते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है ऑल सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट है देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिए गए सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको एक वीडियो में मिल रहा है और मैंने अलग से डिटेल में वीडियो भी बना रखी है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश की वीडियो है मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट है उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं डिटेल में। इसके बाद है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उसका इंग्लिश का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सिलेबस रहेगा, कितने आपके लेसन आएंगे, कितने आपकी यूनिट आएंगे। ठीक है दोस्तों, सब मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना के बता रखा है, आप डिटेल में वीडियो भी देख सकते हैं या फिर आप सिलेबस को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस भी कोर्स की आप वीडियो को ओपन करोगे उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप सीधे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। जो भी एमडी ने जो प्रोवाइड कर रखी है उन सभी पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, इस प्लेलिस्ट का जो आपके इस प्लेलिस्ट है यहाँ पर आप देखते हैं एमडीयू डिस्टेंस सिलेबस नाम से प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद सीधे आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर पहुँच जाओगे। ठीक दोस्तों, यहाँ से आप सभी कोर्सेज के सभी सेमेस्टर के सिलेबस की वीडियो देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है अब की बार एमडीयू आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं करवा रही ऑफलाइन मोड में। ठीक दोस्तों, अब की बार आपको ऑनलाइन मोड में स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑफलाइन आपको बुक्स नहीं मिलेंगी। इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ शाम को 7 बजे। ठीक दोस्तों, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आप कहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप प्रत्येक कोर्स की प्रत्येक सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं शाम को वीडियो लेके आ रहा हूँ शाम को 7 बजे। ठीक है दोस्तों, 7 PM पर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखना ना भूले। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जब भी वो वीडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, किसी भी कोर्स की आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो शाम को वीडियो आ रही है, आप उस वीडियो को देख लेना, 7 बजे आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ठीक दोस्तों, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।